हेलो फ्रेंड्स, आर यू स्टिल वरीड अबाउट एडमिशंस आफ्टर 12th साइंस? क्या आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि 12th साइंस के बाद ग्रेजुएशन कहां पर परस्यू करें? देन यू आर एट द राइट प्लेस। HVPGR कड़ी, अ प्लेस वेयर यू कैन गेट द बेस्ट एजुकेशन विद योर ड्रीम जॉब। HVHP Institute of Postgraduate Studies and Research, Kadi. So, let us understand why shall we study in HVPGR. So, I have few points of many to place before you. First, education is given by PhD level faculties. So, you can imagine the level of education, the level of knowledge imparted to the students. Second, हर एक student का यहाँ पर constant mentoring किया जाता है. His studies, his co-curricular activities, his development. Third, co-curricular activities like cultural, sports, even educational other activities like conferences, competitions, seminars. All these things are organized in an offline and online manner. Fourth and the most important aspect, the job placements. You would be surprised to know that even in the pandemic situation, Corona Kal Devi, HVPGR ke bachcho ko approximately 70% of the students got very good jobs at the best companies. And before Corona, we had a record of 90 to 100% job placements. That is a very big point. Next is the campus facilities. Campus mein padhai ke saath saath aur bhi activities zaruri hoti hai. Right? Jaise sports ke liye aapko ek environment, cultural activities ke liye ek environment. सर्वनेतृत्व ये एक हमारा स्पेशल यूनिट है जो एक बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट करता है. सो ये सारी फैसिलिटीज इस कैंपस में अवेलेबल है. वी हैव MOUs विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो. यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बट स्टेट बट नेशनल लेवल तक हर साल पार्टिसिपेशन करते हैं और जीत के आते हैं. द नेशनल लेवल सर्टिफिकेट इज वेरी बेनिफिशियल टू देम एट देयर जॉब्स. सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया है HVPGR के. तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं एजुकेशन पे. सो मायसेल्फ डॉक्टर हर्षल देवता वेलकम यू ऑल फॉर दिस डेमो लेक्चर. हम लोग सेमिस्टर वन में जो फिजिक्स का पेपर होता है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स पार्ट वन, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेवलेंथ, एन इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दोनों वर्ड्स आपने काफी बार सुने हुए हैं, टेस्ट बुक में पढ़े हुए हैं, लेकिन उसका एक्चुअल कंसेप्ट हमें समझना जरूरी होता है. एक्चुअल कंसेप्ट मतलब डेली लाइफ में, रियलिस्टिक लाइफ में आप कैसे इन कंसेप्ट्स को, इन वर्ड्स को समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज नेसेसरी. किताबी डेफिनेशंस, इक्वेशंस सबको आता है, बट कंसेप्ट जिसको आता है वही आगे जा सकता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. Frequency, it is the total number of objects or the number of times an event occur. जैसे मान लो कुछ चीजें हैं like 5 apples, फिर कोई चीज बार बार हो रही है. जैसे मान लो बस डेपो में बॉम्बे जाने वाली बस डेली 3 बार आती है. सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इन फिजिक्स वी हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स होता है हर्ट्ज. उसी तरह से हम लोग वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे. वेवलेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ध्यान रहे ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए आसान भाषा में बता रहा हूँ. लेंथ मतलब यहाँ पर सिर्फ लेंथ नहीं, बेसिकली द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एंड डेफिनेशन की बात करें तो वी ऑल वेरी वेल नो दैट वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स. उसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम या सेंटीमीटर्स, मीटर्स, नैनोमीटर्स, बेसिकली लेंथ का यूनिट. So let us understand these two concepts. यहाँ पर मैंने दो waves बताई है, एक red wave है और एक black wave है. Again ध्यान रहे ये red और black मैंने इन दोनों को अलग अलग दिखने के लिए बताया. Color does not signify at this moment. Okay. Next मैंने एक region restrict किया हुआ, एक region specific region of study मैंने बनाया. You all can see that अगर मैं red wave की बात कर रहा हूँ तो उस स्पेसिफिक रीजन में रेड की एक वेवलेंथ पूरी की पूरी कवर हो गई. लेकिन
ब्लैक वेव की बात कर रहा हूं तो उसकी एक से ज्यादा वेवलेंथ कवर होगी, दैट इज लैम्डा प्लस डी लैम्डा। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस कि वेवलेंथ के टर्म्स में रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। बट इसी पिक्चर को मैं अलग नजरिए से देखता हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया था, इट इज द नंबर बेसिकली। तो अगर हम मान के चले कि रेड वेव की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि ब्लैक वेव की फ्रीक्वेंसी 1 + 1/2, दैट इज 1.5 है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, द फ्रीक्वेंसी इज मोर फॉर द ब्लैक वेव एंड इट इज लेस फॉर द रेड वेव। वेवलेंथ के केस में उल्टा था, रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी, ब्लैक की वेवलेंथ छोटी थी, बट फ्रीक्वेंसी के केस में अगेन उल्टा। सो दिस क्लियरली सेज दैट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज गिवन बाय सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज वी ऑल नो, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने एक किताबी, एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने समझे। नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ और इन अ वेरी इवन मोर सिंपलर वे। ओके, सो व्हाट डू वी डू, आई टेक अ डिस्क एंड आई फिट वन ट्राइंगल इनटू इट। ओके, नाउ आई टेक अनदर डिस्क ऑफ द सेम साइज बट नाउ रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्राइंगल लाइक 1, 2 and 3। क्या किया मैंने, जैसे ही मैंने ट्राइंगल की साइज छोटी कर दी, दैट इज वेवलेंथ मैंने छोटी कर दी, तो क्या बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इन दिस वे आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। वी आल्सो हैव अनदर एग्जांपल, अ टॉल पर्सन हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू अ शॉर्ट पर्सन। इन्हें कौन नहीं जानता, बिग बी, अ वेरी टॉल पर्सन। इनके सामने अगर हम एक छोटे से बच्चे को पढ़ा रखे लाइक दिस, देन वी कैन से दैट ही इज लिटरली हाफ टू इट, राइट। सो अगर उनकी हाइट हमें मैच करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक के ऊपर एक बच्चे को खड़ा करना पड़ेगा लाइक दिस। सो एट दैट लेवल वी कैन मैच। सो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि वेवलेंथ जिनकी ज्यादा है उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, जस्ट वन, बट जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो दीज टू आर इन प्रोपोर्शन। ओके, सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज क्लियर टू यू ऑल। इन्हीं दो वर्ड्स का इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का एक कलेक्शन, एक कंपाइलेशन होता है, और हर रीजन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग होती है, राइट। इट इज बिलो 1 Hz टू अबाउट 10⁵ Hz। और ये जो अलग अलग रीजन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, मान लो माइक्रोवेव रीजन, रेडियो रीजन, विजिबल लाइट रीजन, एक्सरे रीजन एक्सेट्रा, राइट। सो लेट अस स्टडी इट। यू कैन सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट 1 मिनट, मैंने कहा यू कैन सी, बट यू कैन एक्चुअली नॉट सी द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यू ऑल विल बी वेरी मच सरप्राइज टू नो दैट इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से जो हम लोग देख सकते हैं, जो ह्यूमन आई देख सकता है, दैट इज ओनली अ वेरी शॉर्ट रीजन, दैट इज द विजिबल लाइट रीजन। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि जो आप देखते हो उससे कहीं ज्यादा बड़ी वो चीजें जो आप नहीं देख पाते। सो द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट्स विद, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेफ्ट रीजन, द रेडियो वेव्स। यहां पर उसका अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ लिखा हुआ है लाइक 10⁻³ मीटर्स, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ 1 किलोमीटर है, लेकिन इट इज रेडियो वेव्स आर इन द ऑर्डर्स ऑफ किलोमीटर्स, वन कैन से। इतनी लंबी वेवलेंथ होती है कि वो एक वेव अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर्स के रेंज में होती है। जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव से माइक्रोवेव रीजन में जाते हैं, वेवलेंथ थोड़ी कम हो गई, इंफ्रारेड में और कम हो गई, विजिबल रीजन में और कम हो गई, और ऐसे करते करते हम लोग जब लास्ट रीजन में पहुंचते हैं, गामा रे रीजन, हियर द वेवलेंथ इज वेरी 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 शॉर्ट। यू कैन सी इट इज अप टू 10⁻¹² और इवन लेसर देन दैट। बट यहां पर जैसे हमने अभी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो
गामा रे रीजन का अगर फ्रीक्वेंसी आप देखोगे सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10^20 हर्ट्ज और इवन मोर, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस पेपर में आगे चलकर इन सारे रीजन्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, उनके एप्लीकेशन है, राइट? सो इसके चलते हमने ये कोर्स कंटेंट डेवलप किया है और इस तरह से हम लोग ये कंसेप्ट पूरा समझ सकते हैं। सो दैट वॉज अ स्मॉल डेमो लेक्चर ऑन फिजिक्स। हमारे कॉलेज में वी हैव स्कोप, दैट इज सोसाइटी फॉर क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी थ्रू प्रोफिशिएंस इन इंग्लिश, कोलैबोरेशन विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके। वी ऑल्सो हैव अ नोडल सेंटर फॉर स्पोकन ट्यूटोरियल्स ऑफ ओपन सोर्सेज, IIT बॉम्बे। आप देख सकते हैं क्लासरूम्स हमारे या जो कोर्सेज चलते हैं उनका पूरा लैब सेटअप, कंप्यूटर लैब्स, ऑल दिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन की। हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन होते हैं, बच्चे नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, उनका एनालिसिस होता है, दे आर अवार्डेड प्राइजेस एंड इवन सिलेक्टेड फॉर SSI। देन हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें ऑलमोस्ट 28,000 बुक्स है, आई रिपीट 28,000 बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 6,000 प्लस ई जर्नल सब्सक्रिप्शंस एंड 31 लैक्स ई बुक्स। सो वी हैव अ ह्यूज कंटेंट टू स्टडी। रिसर्च की बात की जाए तो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं, लेकिन PhD लेवल का भी रिसर्च यहाँ पर होता है इन केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। वी हैव दीज मेनी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अबाउट द कैंपस प्लेसमेंट्स, दीज आर सम बिग नेम्स लाइक टोरेंट फार्मा, एलेम्बिक, एक्यूलाइफ, जाइडस, कैडिला, इफको, बजाज, इंटास, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। ऐसी कई कंपनियां हर साल आती है एंड आवर स्टूडेंट गेट देयर ड्रीम जॉब्स एट बेस्ट पैकेजेस। देन फाइनली द चार्म ऑफ लाइफ, दैट इज सम कल्चर, सम स्पोर्ट्स, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कॉलेज एंड द कैंपस। लाइक वी हैव द सर्व नेतृत्व प्रोग्राम जहाँ पर मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती है। वी हैव अदर कॉम्पिटिशन्स विच आर एट कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल एंड बिलोंग टू द स्टेट और नेशनल लेवल, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, आप पूरा एक पिक्चर देख सकते हैं। एंड फाइनली इन सारों जो भी कॉम्पिटिशन्स होती है, इवेंट्स होते हैं, इन सारी इवेंट्स का कंपाइलेशन एट द एंड वी हैव द एनुअल डे सेलिब्रेशन, जहाँ पर इन सारे बच्चों को कॉलेज की तरफ से सम्मानित किया जाता है, उनको प्राइज और शील्ड दिया जाता है सो दैट दे कैन इवन परफॉर्म बेटर इन देयर लाइफ। सो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपके सामने रखे। सो आई होप HVPGR कड़ी जस्टिफाइज इटसेल्फ एज अ कॉलेज, नॉट ओनली एज अ कॉलेज बट अ प्लेस वेयर अ स्टूडेंट कैन गेट हिज एजुकेशन, हिज जॉब, his all-round development in life. So, I request you all to please visit the campus offline or online according to your convenience. And this is our website www.hvpgrkadi.ac.in. The courses we offer are BSc and MSc in Chemistry and Microbiology. And last but not the least, HVPGR Kadi is a proud part of the Sarva Vidyalaya Kevani Mandal, the SV campus, which is a 100-year-old campus, working on two mottos, Karbala Hogabhala and Shikshan Aj Sachi Seva. So once again, we welcome you all to HVPGR Kadi SV campus. Thank you for watching the video. Thanks a lot.